हाय एवरीवन, हेलो। तो फाइनली फाइनली मेंस आर ओवर गाइस। मेंस खत्म हो चुके हैं अपने, तो दो तीन दिन तक मैं रेस्ट कर रहा था एंड देन आई सॉ कि कुछ एक कमेंट्स आए हुए थे चैनल पे कि सर अब आप वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बना रहे हैं, राइट। तो एक तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि इतना इमोशनली हो गए थे एक सर, तो थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए। तो अभी क्या है कि अभी मेंस जब खत्म हो चुका है, देन आई थॉट कि देखो प्री का जो है अब फियर बढ़ रहा है लोगों में, राइट। फियर बढ़ रहा है, बहुत डर है प्री का भाई, क्योंकि प्री जो है ये तबाही हो चुका है, राइट। और इस बार मेरे जो प्री में बन रहे थे मार्क्स वो अराउंड 125 के आसपास मेरे बन रहे थे, राइट। 118 से 125 126 तक मेरे मार्क्स जा रहे थे। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे इतने जाएंगे, क्योंकि ये प्री के क्वेश्चन ही ऐसे आए हुए थे कि किसी को पता नहीं था, इसके एग्जैक्ट आंसर्स किसी को भी पता नहीं थे। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये आंसर कीज है, इसमें इस बार बहुत सारी आंसर कीज गलत होने वाली है, राइट, बिल्कुल गलत होने वाली है। तो बट मैं कैसे इतना स्कोर कर पाया, तो इसमें जो है कुछ एक ऐसी ट्रिक्स रहती है, बिल्कुल रहती है लॉजिकल गेसिंग की, राइट, कि आपके जो अंडरलाइंग नॉलेज है उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई करके आप आंसर कैसे डिराइव कर सकते हो, राइट। ये मैंने सोचा सीखा हुआ है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में भी मैं प्री ठीक ठाक मार्जिन से क्लियर कर रहा था, लेकिन सी सेट में मैं रह गया, राइट। तो इन वीडियोज में हम ये डिस्कस करेंगे जो 2022 का पेपर है कि किस तरीके से आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 125 प्लस मार्क्स, तो और कौन सी वो ऐसी ट्रिक्स होती है जिसकी मदद से आप यहाँ तक स्कोर ला सकते हो। और ये बहुत डिसेंट स्कोर होता है अब, क्योंकि मैं आर्ट्स से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, राइट। तो मेरा आईएफएस का नहीं था, अदरवाइज मेरा आईएफएस का भी इसमें क्लियर हो जाता, राइट। आर्ट्स वालों के लिए नहीं होता है, उसके लिए मैथ्स मैंडेटरी होता है, मेरे पास नहीं था, राइट। तो ये बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेरा वो थॉट प्रोसेस क्या रहा। हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सही आंसर क्या था, गलत आंसर क्या था, बिल्कुल नहीं, राइट, क्योंकि यूपीएससी की जो आंसर की है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, आई विल डिस्कस कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कि मैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोचा और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े। तो ये थॉट प्रोसेस को हम यहाँ पे जानेंगे, राइट। कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, इसके पीछे अपन नहीं पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि एक वीडियो में ये बनाना इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, आप वैसे भी 120 मिनट लेते हो इनको सॉल्व करने में, राइट, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। अभी अगर एक्सप्लेन भी करना है तो कम से कम 150 मिनट तो लगी जाएंगे, 160 तक मिनट। तो हम क्या करेंगे कि 20-20 क्वेश्चंस की हम 3-4 वीडियोज इसमें बना लेंगे, राइट, 20-30 क्वेश्चंस की। तो धीरे धीरे हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, हर रोज वीडियो आती रहेगी और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनेगी। तो आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। और गाइज अगर हेल्पफुल ये सेशंस रहे तो क्या है कि सब्सक्राइब अगर आपका मन करे तो कर लेना यार, राइट। तो ये मोटिवेट भी करता है, लेकिन फिर ये है कि हाँ थोड़ा एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड ये फील होता है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ इसको फिर से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसमें साइट और लोकेशन को मैच करने के लिए बोला हुआ था। देखो मुझे ये पता था कि धौली कहाँ है और कलसी कहाँ है, ये मुझे पता था, राइट। बट इससे क्या है कि नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन भी था, इससे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था मेरे, क्योंकि ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड है, इस तरीके के क्वेश्चन इस बार सीडीएस में भी पूछे गए थे। यही फॉर्मेट सीडीएस में इन्होंने कॉपी किया हुआ था, 4-5 ऐसे क्वेश्चन से हिस्ट्री के जो इन्होंने सीडीएस में पूछे हुए थे। तो मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं बन पा रही थी मेरे, राइट। तो मैंने इसे छोड़ दिया, एलिमिनेशन वगैरह कुछ काम नहीं करिए था। सेकंड भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये भी ओनली वन ओनली टू पेयर वाला था, मुझे ये किंग भोज का पता था कि ये सिस्टम इनका गलत लगा हुआ है, नागभट्ट का भी मुझे पता था, बट फिर भी ये इन दोनों की वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कितने इसमें करेक्टली ठीक है। तो मैंने ये भी छोड़ दिया, राइट। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कितने इसमें ठीक है, आई विल जस्ट डिस्कस कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहा। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरा जो सेट सी है ये, राइट, ओके। तो सेट सी का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये पूछा था कि संगम लिटरेचर जो कि साउथ इंडिया में डेवलप हुआ, संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। स्टेटमेंट वन कहता है कि संगम पोइट्स आर
संगम पोइट्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, तो मैंने तो ये एकदम से एलिमिनेट कर दिया एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, इसलिए नहीं कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नहीं, यूपीएससी अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट के साथ खेल रहा है, इसलिए मैंने इसे एलिमिनेट नहीं किया, बट इसलिए क्योंकि देखो संगम लिटरेचर हम पढ़ते हैं, इतना मुझे मालूम था कि संगम लिटरेचर एक तरीके का सेकुलर लिटरेचर होता है, राइट, सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर मतलब धर्म की बात नहीं होगी ज्यादा, राइट, तो रियलिज्म की ओर ये ज्यादा बात करता है, मटेरियल कल्चर इज अ पार्ट ऑफ रियलिज्म, रियल लाइफ, तो ये तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया कि क्योंकि इसका मेन फोकस यही होता है कि ये एकदम सेकुलर चीजों पे फोकस करता है, और एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर का मतलब है कि ये तो तब आपके आपके ट्रेड के बारे में भी बात नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है कि कोई लिटरेचर जो 300 साल तक डेवलप होता रहा, राइट, संगम लिटरेचर 350 साल तक डेवलप होता रहा धीरे धीरे, जो ये मणिमेकलई हो गया, एट्टू टू कई हो गया, एट्टू एट्टू पट्टू पट्टू, इस तरीके के जो ये इनके लिटरेचर के पार्ट है ये 300 साल तक लिखे जाते रहे, तो ऐसा कोई लिटरेचर, इवन जो बौद्ध धर्म का लिटरेचर है उसमें भी मटेरियल चीजों की बात हुई है, तो ये तो मैंने इसलिए एलिमिनेट कर दिया, बी ऑप्शन को भी स्टैंड बाय में रखते हैं। सी ऑप्शन देखो कि संगम पोइट्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, ये भी बिल्कुल गलत है, देखो 300 साल तक अगर कोई लिटरेचर लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि वहां कोई ना कोई वॉर तो हुई ही होगी, आजकल भी देखो इधर राजस्थान में पॉलिटिक्स कैसी चली हुई है, राइट, कोई ना कोई डिस्प्यूट तो हो रहा होगा, अब अगर डिस्प्यूट हो रहा है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है भैया वो रिफ्लेक्ट होगा लिटरेचर में, तो इसलिए मैंने ये भी इसमें एलिमिनेट कर दिया कि ऐसा तो नहीं है कि वॉरियर एथिक्स के बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं कहा हो, बिल्कुल बात ये गलत है, कोई भी लिटरेचर ऐसी बात नहीं करेगा, मतलब 300 साल तक कोई अगर लिखा जाता हो तो नो रेफरेंस, तो ये बात नहीं बनती कि इसमें कोई रेफरेंस नहीं होगा इन चीजों का, ये भी गलत। नेक्स्ट कि संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, ये बहुत स्पेसिफिक इन्होंने अपनी बात कह दी, राइट, बहुत स्पेसिफिक बात कह दी, मैजिकल फोर्स तो आपकी गॉड भी है, देखो भगवान भी मैजिकल फोर्स है, तो गॉड को तो ये इरेशनल नहीं मानते होंगे, और ये मैं इसलिए इसको एलिमिनेट कर पाया इस स्टेटमेंट को क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जो प्रसार भारती आर्काइव है, राइट, प्रसार भारती आर्काइव, मैं इसमें ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइपिंग पैड नहीं, वो राइटिंग पैड नहीं है जिससे बाहर लिखते हैं, तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, तो जो प्रसार भारती आर्काइव का यूट्यूब वीडियो इनका जो चैनल है उसमें मैंने भारत एक खोज करके सीरीज देखी हुई थी, राइट, भारत एक खोज, तो उसमें मणिमेघलई जो लिटरेचर है संगम लिटरेचर का पार्ट, मणिमेघलई ये एक लिटरेचर का नाम है, ठीक है, मणिमेघलई, तो उसमें क्या है कि उसमें कोवलन और कन्नगी पे एक स्टोरी है, वो मणिमेघलई, राइट, कोवलन और कन्नगी पे एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में मैंने ये देखा था वो बात कि वहां कोई एक ट्राइब रहा करती थी, पुहार पोर्ट के आसपास एक ट्राइब रहा करती थी जो कि एक इस तरीके की मैजिकल फोर्सेस को वो वर्शिप किया करती थी उधर, राइट, वर्शिप किया करती थी उस मैजिकल फोर्सेस को, देवी माता वगैरह की वो पूजा किया करती थी, तो मैंने इसे उस तरीके से भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इरेशनल तो नहीं मानेंगे, गॉड को भी इरेशनल थोड़ी ना मानेंगे उस जमाने में वो भी। नाउ कम्स की सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नॉन टू संगम पोइट्स, ये बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है भाई, अगर नॉर्थ इंडिया में मान लो अगर वर्णा सिस्टम है, मान लो कि अगर साउथ इंडिया में वर्णा सिस्टम एक्सटिंक्ट है, मान लो, बट अगर नॉर्थ इंडिया में उस समय वर्णा सिस्टम चल रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि साउथ इंडिया वाले उसके बारे में नहीं जानेंगे, राइट, अवेयर वॉज नॉन टू संगम पोइट्स, नॉन टू संगम पोइट का मतलब है कि संगम पोइट्स उनके बारे में अवेयर थे, बिल्कुल ये एकदम मतलब नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी, दिस इज वाई आई चोज दिस स्टेटमेंट, और ये करेक्ट है, ये करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि ये जो योग विशिष्टा है इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये मैंने एकदम एक्सट्रीम लेवल का तुक्का मारा क्योंकि मुझे पता था कि पर्शियन जो लैंग्वेज है इसे किसने अपनी कोर्ट पोइट मतलब कोर्ट की लैंग्वेज इसने डिसाइड किया, तो मुझे पता था कि ये अकबर के टाइम पे हुआ है, राइट, ये अकबर के टाइम पे हुआ है, बट ये नहीं पता था कि ये जो योग विशिष्ट है इसको पर्शियन में ट्रांसलेट अकबर ने करवाया, राइट, ये नहीं मुझे पता था, लेकिन मैंने फिर भी तुक्का मारा क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल इसका अकबर आंसर हो, क्योंकि एक इसी तरीके का इन्होंने 2020 में क्वेश्चन पूछा था
और उसमें एक एक बहुत लिबरल सी स्टेटमेंट देती थी कि वी शुड एक्ट वेरी पीसफुली, वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दी थी और पूछा था कि बताओ ये स्टेटमेंट किसकी है, तो वो अशोका की थी क्योंकि अशोका ही वैसी बात करता किया करता था, राइट। तो जो धम्म घोष वगैरह उसने शुरू किया था वो अशोका की थी, ये 2020 का क्वेश्चन है। सिमिलर मुझे ये याद आया कि हो सकता है उसी लॉजिक से इन्होंने पूछा हो कि मतलब आदमी कम से कम इतने रेफरेंस तक तो पहुंच जाए कि पर्शियन लैंग्वेज का सबसे ज्यादा संबंध किसके साथ होगा, तो वो अकबर, राइट। तो नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, ये मैंने छोड़ दिया, राइट, ये मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट तो इसका बेकार है कि रामानुजाचार्य का टॉलेस्ट स्टैच्यू ये जो है हैदराबाद में इनॉग्रेट हुआ है, ये तो इसकी बिल्कुल फालतू स्टेटमेंट उन्होंने देख रखी हुई है। मेन बात इसमें है कि इनकी टीचिंग क्या थी, इसमें मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि सल्वेशन जो है डिवोशन से मिलेगा, राइट, और वेदा जो है एटर्नल है, इसको तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था, राइट। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर एसेंशियल मीन्स ऑफ हाईएस्ट ब्लिस, क्योंकि इससे जो है इससे क्या है कि एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई थी उस टाइम कि ठीक है जो आपका जो भक्ति कल्ट है वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की भी बात करते थे, सही बात है, और डिवोशन की भी वो बात किया करते थे, ये दोनों बातें करेक्ट सी लग रही है, तो मैं इसमें कुछ भी चूज नहीं कर पाया, दिस इज व्हाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि प्राइम मिनिस्टर, इसमें एक अलग लेवल का तुक्का लगा हुआ है, राइट। इसमें सोमनाथ टेंपल के बारे में पूछा हुआ है डायरेक्टली, एक टेंपल के बारे में, और सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन, मुझे नहीं मालूम था, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ वॉज गिवन बाय अल बिरूनी, मैं कहा हो सकता है दिया हो क्योंकि अल बिरूनी जो है उस टाइम जो है जो मोहम्मद गोरी वगैरह उन्होंने अटैक किए हुए थे, तो संभव है कि अल बिरूनी ने इसका जो है सोमनाथ टेंपल की डिस्क्रिप्शन दी हो, ये हो सकता है, ये मैंने सोचा। नेक्स्ट की थर्ड लेवल कि प्राण जो प्रतिष्ठा सोमनाथ टेंपल की हुई है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफी बाद में प्रेसिडेंट बने, राइट, ये 1953-54 आई थिंक उस टाइम बने होंगे, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ टेंपल की हुई है इतना मुझे मालूम था कि मैंने क्या है कि एक प्रधानमंत्री सीरीज हुआ करती थी, एबीपी न्यूज पे आई थी प्रधानमंत्री सीरीज, उस प्रधानमंत्री सीरीज में मैंने वो यूट्यूब में अवेलेबल है, उसमें मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें ये बात बोली थी कि नेहरू ने एक बार एक लेटर लिखा था 1950s में, 1951 या 52 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो उस टाइम हमारे प्रधान प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्हें एक लेटर लिखा कि आपको क्या है कि सोमनाथ टेंपल की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट, राइट, मैं प्राइम मिनिस्टर होके जाऊं बात बनती है, आप क्योंकि प्रेसिडेंट है आप एक सेकुलर इमेज है कंट्री की एंड यू शुड रिफ्लेक्ट दैट सेकुलर इमेज, राइट, तो इसलिए आपको किसी टेंपल की इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ये एक लेटर उन्होंने लिखा था। तो मुझे वहीं से याद आया कि राधा कृष्णन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब देखो वो क्या कहते राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया है नहीं किया है ये मुझे मालूम नहीं था, बट राधा कृष्णन तो इसमें बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, इसीलिए आई एलिमिनेटेड द थर्ड स्टेटमेंट एंड द आंसर वॉज ए, और ये मेरा ठीक हुआ। नेक्स्ट आता है कि बी सेल और टी सेल, ये एकदम बिल्कुल आपके, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये न्यूज में था, राइट, वैक्सीनेशन वगैरह, राइट, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ था प्री में कि बी सेल और टी सेल के बारे में इनमें से क्या सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है ये बहुत ट्रिकी दी हुई है इन्होंने, ट्रिकी इसमें ये दो स्टेटमेंट्स थी बेसिकली कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस, ये बात सही है, ये बात सही है कि जो एलर्जी कॉज करने वाले जो आपके मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो एलर्जी कॉज कर सकता है आपको, राइट, बॉडी में अगर एंटर कर जाए बैक्टीरिया एलर्जी कॉज कर सकता है, तो मैंने इसको स्टेटमेंट को थोड़ा स्टैंड बाय में रखा। नेक्स्ट कि दे एलिविएट बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, कि देखो ये बॉडी की पेन को बढ़ाते हैं भाई, टी सेल्स को डेवलप करने की बात चलती रही पूरे 2020 में कि भाई हमें अपनी बॉडी में टी सेल्स लानी है, राइट, ताकि इम्यून रिस्पांस बढ़े, राइट, और 2020 में जब कोविड चल रहा है उस टाइम अगर बॉडी में आप पेन कॉजिंग चीजें डाल दोगे तो तब कोविड के मरीज कहाँ जाएंगे भाई, ऑलरेडी वो कोविड सफर कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको ये दर्द वाली अगर टी सेल्स दे देंगे तो भाई वो तो नहीं बात बनेगी, तो ये बॉडी की पेन को एलिविएट करेंगे मतलब बढ़ाएंगे, ये बात सही नहीं बैठ रही थी इसलिए मैंने इसे तो एलिमिनेट कर दिया। कि दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ये हम पूरे 2020 में सुनते रहे कि
जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से आपकी बॉडी में टी सेल्स बढ़ेगी, राइट, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा, तो सप्रेस नहीं करेगा ये, राइट, इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब है कि इम्यून रिस्पॉन्स को ये सप्रेस करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. सो दे एक्ट एज अ इम्यूनो ट्रिगर्स, ये बात सही है कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने वाली ये सेल्स है, ये बात सही होनी चाहिए. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट एक स्टेटमेंट दी हुई थी. नाउ हमारे पास बचती है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी कि दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस. ये ज्यादा लिबरल और ज्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट है बजाय इसके एलर्जेंस, राइट, ये इसके ज्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट है. दिस इज वाई आई मार्क्ड डी आंसर और ये बिल्कुल सही था. ये आई न्यू इनसाइड द एग्जाम हॉल की दिस इज अ सही स्टेटमेंट. नेक्स्ट आता है भाई, ये जाहिर क्वेश्चन था. मैंने क्वेश्चन से पहले हमेशा ऑप्शन पे ध्यान दिया हुआ है नीचे, क्योंकि यूपीएससी के जो आंसर है ना हमेशा वो इन ऑप्शंस पे है. अगर इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हो, वन ओनली, थ्री ओनली, वन टू, राइट, और तीन ऐसी स्टेटमेंट्स हो, तो समझ जाना कि आंसर फेच करना बड़ा ईजी है. इस तरीके के क्वेश्चन को आप छोड़ना मत. मान लो अगर ऐसी स्टेटमेंट्स हो जिसमें राइट जिसमें इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन दिए हो, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, इसमें थोड़ी टफ होता है आंसर को फेच करना. लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर दो तो इजीली आपके आंसर आ जाएगा, राइट. बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता है कि इनमें से दो स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट कम से कम गलत है ही, तो गलत को ढूंढना बेटर है, ईजी होता है. तो ये जो क्या कहते नैनो पार्टिकल्स है, राइट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ये मैंने सबसे पहले एलिमिनेट कर दी स्टेटमेंट, क्योंकि देखो साइंस का जो भी क्वेश्चन होगा, अगर कहीं अफर्मेटिव सेंस में कोई बात वो बोल रहा है, इट मीन्स कि उसके पास रिसर्च होनी चाहिए उसकी, और रिसर्च हमेशा साइंस में यूनिवर्सल होनी चाहिए होती है, तब तक आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं. अब मान लो अगर नैनो पार्टिकल्स आपके अर्थ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट पे तो कर रहे होंगे, राइट, बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं, शुक्र है, बृहस्पति है, ऐसा लेना देना, बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेट के बाहर भी होंगे, सोलर सिस्टम के बाहर भी हो सकते हैं, वहां कौन गया हुआ है रिसर्च करने. तो नेचर में तो ये सारी चीजें आती है, पूरा यूनिवर्स आता है, कहीं तो एग्जिस्ट हो सकते हैं. तो आई एलिमिनेटेड इन दोनों को, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया पहले, राइट. देन आता है बी एंड डी ऑप्शन अपने पास कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स. ये मैं यहाँ मेटेलिक में कंफ्यूज हुआ कि कहीं यहाँ पे वर्ड प्ले तो नहीं कर रहा है, राइट, यूपीएससी की मेटेलिक ऑक्साइड्स में कहीं इससे टॉक्सिन्स तो नहीं निकलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड से. तो मैंने इस तरीके से सोचा कि अगर टॉक्सिन निकल रहे होंगे तब तो ये आपके कॉस्मेटिक्स में यूज नहीं होंगे. बट यूजुअली क्या होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, राइट, बेसिक क्षारीय नेचर के होंगे, और जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे. और हमें मालूम है कि हमारी बॉडी जो बेसिक नेचर की चीजें हैं उनको ज्यादा अच्छे से वो जो है रिटेन कर पाती है, क्योंकि जो आपका ब्लैक वाटर होता है, देखो जो ब्लैक वाटर होता है 100 रुपए की बॉटल मिलती है, वो ब्लैक वाटर भी आपका ब्लैक बेसिक नेचर का होता है, और उससे जो है आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मतलब वो पन पाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वो काम करता है और आपकी बॉडी ज्यादा स्वस्थ रहती है. तो जरूर मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का है इससे उतना ज्यादा हार्म नहीं होगा बॉडी को, राइट, और नैनो पार्टिकल्स कॉस्मेटिक्स में यूज हो सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, ये इतना मुझे पता था. तो ये स्टेटमेंट टू को मैंने सही रखा, राइट, बट इससे भी आंसर और इससे मेरा आंसर निकल गया, राइट, क्योंकि स्टेटमेंट टू सिर्फ एक ही जगह थी. और नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर यू अनसेफ फॉर ह्यूमंस. तो सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस. सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बात बोला है कि कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स होंगे अगर वो एनवायरनमेंट में उनके नैनो पार्टिकल्स चले गए, एनवायरनमेंट का मतलब है पानी, हवा वगैरह वगैरह इन सब में, तो बिल्कुल सही बात है, वो ह्यूमंस के लिए अनसेफ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, अगर प्लास्टिक का कोई नैनो पार्टिकल आपके पानी में घुल जाए तो उससे तो बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, राइट, बायोमैग्निफिकेशन यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, राइट, और बायोअक्युमुलेशन हो गया, ये सारी चीजों से आपकी बॉडी में बीमारियां बन जाएगी. तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो सही थी ही, और टू एंड थ्री एक ही जगह हमारे पास है, तो आंसर मिल गया. नेक्स्ट आता है कि डीएनए बारकोडिंग. ये मैंने एकदम
एक्सट्रीम लेवल का तुक्का लगाया हुआ है और ये मेरा ठीक लगा, क्योंकि इनमें पूछा हुआ है कि डीएनए बार कोडिंग कैन बी ए टूल टू, और ये एकदम तुक्का नहीं, इसमें लॉजिक ऐसे क्वेश्चन में लगना चाहिए होता है कि ये किस चीज का टूल हो सकता है। देखो डीएनए बार कोडिंग का मतलब है, बार कोडिंग का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे डंडे बनाए जा रहे हैं कहीं पे, राइट, इसे हम कहते हैं जैसे बार कोड रीडर हुआ, ऐसे बार बनाए जा रहे हैं और उस बार से एक कोड क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप कुछ आइडेंटिफाई कर सको, राइट। कोड हम क्यों क्रिएट करते हैं, चाहे वो QR कोड हो गया चाहे वो बार कोड हो गया, हम क्यों क्रिएट करते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई सम यूनिकनेस, राइट, सम यूनिकनेस। तो इतने मैंने पहले सोच लिया कि बार कोडिंग का मतलब कुछ ऐसा होगा, डीएनए बार कोडिंग, कि डीएनए को हम इस तरीके से कोड कर रहे हैं जिससे कि हम कुछ यूनिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। और उसके बाद मैंने ऑप्शंस को देखा, फिर से वही बात, मुझे मालूम था कि इसमें से एक ना एक स्टेटमेंट तो गलत है ही, राइट, है ही गलत, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं। Then I saw कि assess the age of plant or animal. क्या ये plant और animal की age को assess करने के लिए use किए जा सकते हैं? मैंने इसे थोड़ा standby mode में रखा, इसलिए मैंने यहाँ गोला लगा दिया, standby रखते हैं। Next आता है कि distinguish among the species that look alike. Distinguish, मैंने आपको कहा था बार कोड, कोड हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कुछ यूनिक पैटर्न को हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सकें चीजों को। तो distinguish करना मतलब यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना, वही तो हुआ डिस्टिंग्विश करना, राइट, अलग करना चीजों को। तो बिल्कुल सही बात है कि जो स्पीशीज है उनमें उन उन जो एक जैसी स्पीशीज है उनको उनमें जो सॉरी जो ऐसी स्पीशीज है जो एक जैसी दिखती हो उनमें से अलग अलग स्पीशीज को सेग्रीगेट करने के लिए डेफिनेटली हम डीएनए बार कोडिंग का यूज कर सकते हैं, ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम था लेकिन ये हो सकता है, ये सही बात लग रही है। नेक्स्ट की टू आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि टूल की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब टेक्नोलॉजी किसी ना किसी काम के लिए डेवलप की ही होगी, राइट। तो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इसका जो है इशू बड़ा भारी आ रहा है आजकल मार्केट में, कि इसमें कुछ ऐसे प्लांट मटेरियल्स आपके आ रहे हैं जिससे कि बीमारी भी हो सकती है आपके बॉडी में कॉज, तो उनको उनको असेस करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए बार कोडिंग का यूज हम कर सकते हैं कि भैया क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल में तो नहीं पड़ेगा, राइट। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कोड का यूज हम कुछ भी यूनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, देखो ये उतना जरूरी काम भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेसिफिकली किसी टूल को देखो, अगर यहाँ फॉसिल लिखा होता, अगर यहाँ फॉसिल लिखा होता तो कन्फ्यूजन हो सकता था कि टू असेस द एज ऑफ फॉसिल, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था कि यस टूल का बनाया जाना हो सकता है कि इसके लिए बनाया जा रहा हो, पर प्लांट और एनिमल की एज जान के आप करोगे क्या सर, राइट। आपको थोड़ी ना जाना है कि मतलब जंगल में जाओ और वहां देखो कि इस प्लांट की एज क्या है और आप उसका रिकॉर्ड रखने लग जाओ, उसकी प्लांट हेल्थ के बारे में थोड़ी ना हम उतने कंसर्न है इसके तौर। दिस इज वाई आई एलिमिनेटेड स्टेटमेंट वन और आंसर मेरा सही हो गया इसमें, आंसर डी, राइट। अब पता नहीं ये यूपीएससी ने सही किया होगा नहीं किया होगा, बट ये सही हो गया इसी वजह से, राइट। नेक्स्ट कि कंसीडर द फॉलोइंग, ये एकदम एसिड रेन पे आया था कि कौन कौन सी गैसेस जो है एसिड रेन कॉज करती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत मार्क कर दिया हुआ है, 1, 3 and 4 मार्क किया हुआ है। मैंने ये पहले मैं 1, 3 and 4 मार्क करने वाला था, बट देन आई थॉट कि नहीं इसका 2 and 4 होना चाहिए, क्योंकि ओजोन को तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि O3 जो है आपको किसी भी तरीके से एसिड रेन नहीं दिलाती है। तो ओजोन जो है उसे मान लो अगर ये आपके आपके जो ट्रोपोस्फियर है, अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन आ जाए तो ये आपकी आंखों में इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकती है, बट एसिड रेन ये कॉज नहीं करती है ओजोन, राइट। इतना मुझे मालूम था O3 से एसिड रेन किसी भी तरीके से बनी नहीं सकती है। मान लो अगर H2O और O3 अगर किसी भी तरीके से रिएक्ट कर भी दे तो क्या बना लेंगे, एसिड थोड़ी ना बनेगा इससे, राइट। तो एसिड रेन ये कॉज नहीं करेगी, इतना मुझे मालूम था, ओजोन को मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। तो स्टेटमेंट 3 तो गई, ये दोनों ऑप्शन गए, अब इन दोनों में से ही कोई सही होना था एक, राइट, इन दोनों में से ही कोई सही होना था एक। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन देखो कंफ्यूजन मुझे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हुआ, क्योंकि इससे कार्बनिक एसिड बन सकता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बनिक एसिड बन सकता है, क्योंकि CO जब H2O से रिएक्ट करेगा तो कार्बनिक एसिड बन सकता है,
बट ये यहाँ पे बन ही नहीं रहा था, राइट ऑप्शन में बन ही नहीं रहा था, तो मैंने बस ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, जो मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये दोनों तो कॉज करते ही हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये कॉज करते हैं, इससे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, राइट, इतना मुझे मालूम था। देन आई ये मैंने टिक किया बी ऑप्शन और ये मेरा सही भी हो गया, राइट। तो गाइज अभी हमने 10 क्वेश्चन इसके अभी इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, राइट, अगला भी डिस्कस कर ही लेते हैं, 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट आता है कि इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए, ये एक क्वालिटी क्वेश्चन था, इट वॉज ए क्वालिटी क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें पूछा हुआ है कि जो क्लाउड थिनिंग है, आपको थोड़ा ऐसा फजी यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए, तो इसमें पूछा हुआ है कि जो आपकी हाई क्लाउड्स हैं, मतलब जो सबसे ऊपर आपके क्लाउड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिर्रस क्लाउड्स भी कहते हैं, जिनका जियोग्राफी क्लियर है उन्हें पता है कि ऊपर जो है आपका सिर्रस टाइप का क्लाउड मिलता है सबसे टॉप में, तो जो हाई क्लाउड्स है दे प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि जो हाई क्लाउड्स हैं, सिर्रस क्लाउड्स, ये आपके सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और इससे आपके अर्थ जो है ये कूल रहती है, राइट, अभी इसको स्टैंड बाय में रखो। दूसरा कि लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग। तो जो आपके लो क्लाउड्स हैं, जो नीचे के जैसे क्यूमुलोनिम्बस वगैरह हो गया, इससे जो है आपके धरती का जो धरती से बाहर जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है सोलर की रेडिएशन, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे ये वार्मिंग होती है। एक्चुअली इन्होंने ये जो है ये इंटरचेंज कर रखी हुई है स्टेटमेंट्स, क्योंकि अब मैंने लॉजिक यहाँ पे लगाया, मुझे इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था, मैंने दो कॉन्सेप्ट इसमें लगाए। पहला, सबसे पहले कि अगर हमें सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाना है तो हमें बहुत डेंस क्लाउड चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट बैक हो पाएगी, अदरवाइज तो वो नीचे पेनेट्रेट कर जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है। अगर ये डेंस क्लाउड हमें चाहिए तो ये सबसे ज्यादा डेंस तो आपकी धरती के सबसे नजदीक होते हैं, जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हो गया, ये तो अपने अर्थ के सरफेस के एकदम पास होते हैं, तो बिल्कुल अगर आपको रिफ्लेक्ट बैक करवाना है तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन तो आपकी धरती के नजदीक वाले क्लाउड से होगा, क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड से होगा। तो ये इसलिए मुझे सबसे पहले डाउट हुआ। देन मुझे एकदम से दिमाग में याद आया कि एक क्लाउड थिनिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है, वहीं से ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था कि क्लाउड थिनिंग का क्या यूज है, ये ऑलरेडी भी पूछा हुआ था, आई थिंक पोलर सॉरी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है, राइट, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फियर मतलब ट्रोपोस्फियर से ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, उस स्ट्रेटोस्फियर में सल्फर के एरोसोल उसमें डाले जाते हैं और उन सल्फर के एरोसोल से टकरा के जो है आपकी सनलाइट वापस चली जाती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग का थोड़ा इफेक्ट बनता है, ग्लोबल वार्मिंग को हम टैकल कर पाते हैं। इसी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है क्लाउड थिनिंग की टेक्नोलॉजी, क्लाउड थिनिंग, कि आप अपने क्लाउड्स को थिन कर दो, पतला कर दो। और ये क्लाउड थिनिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि जो आपके सिर्रस क्लाउड्स हैं, सबसे टॉप वाले क्लाउड, सिर्रस क्लाउड्स, राइट, सिर्रस क्लाउड्स जो आपके सबसे टॉप वाले क्लाउड होते हैं, उन सिर्रस क्लाउड्स को थिन इसमें कराया जाता है, ताकि जो धरती से रेडिएशन वापस जा रही है एटमोसफियर के बाहर वो निकल सके, राइट, वो निकल सके। तो मैंने वहीं से देख लिया कि ये जो हाई क्लाउड्स हैं इनको तो थिन करवाया जा रहा है भाई, अगर ये रिफ्लेक्ट बैक कर पाते तो इन्हें थिन क्यों करवाते हम तो इन्हें और डेंस करवाते, ताकि और ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो सोलर रेडिएशन और धरती में कूलिंग आए। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इंटरचेंज हुई है, सही हुई थी, और मैंने नाइदर वन नॉट टू ये टिक कर दिया और ये सही था उस टाइम। दिस वॉज द थॉट प्रोसेस जो एक मिनट तक चला, इसमें काफी थोड़ा टाइम लग गया था मेरे, और ये एकदम से फिर से तुक्का भी, और मैंने मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ के लॉजिक इसमें लगाए, लेकिन ये फिर ठीक हो गया ये क्वेश्चन बीधी बीधी वाला, ये लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने गलत हुआ, लेकिन मेरा ये सही हुआ, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीधी बीधी नाम की एक कोई रिफ्यूजीज की सेटलमेंट है। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है, एक्चुअली प्री में नहीं पूछा हुआ है ये, बट ये 2017 में बीधी बीधी नाम की जो सेटलमेंट है ये केन्या में नहीं, आई थिंक ये युगांडा में बनी थी, कंफर्म कर लेना, राइट, मुझे याद नहीं था इसके बारे में कुछ भी, बट जो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को पहले देखा, फिर मैंने ऑप्शंस को देखा कि इनमें से कोई ना कोई तो गलत है,
एक ना एक तो इसमें गलत है, तो मुझे गलत आइडेंटिफाई करना था जो सबसे गलत के क्लोजेस्ट हो, फिर उसमें तुक्का भी लगाना था थोड़ा। तो बिरिबिरि इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। नॉर्थ वेस्टर्न केन्या, देखो अफ्रीका का जब आप मैप देखोगे तो ये आपका आया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इधर आपके आता है सोमालिया, और यहाँ जैसे आपके आ जाता है जिबूती, राइट, और यहाँ ऊपर आपके आता है सूडान, इधर नीचे आएगा आपका साउथ सूडान। अभी मैंने यहाँ मैप डाउनलोड नहीं कर रखा है, एक बार देख लेना अफ्रीका का मैप ध्यान से, राइट, साउथ सूडान। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में बोला है कि, पहले ऑप्शन में वो बोल रहा है कि केन्या के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, देखो यहाँ साउथ सूडान है और यहाँ जैसे आपका केन्या का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा इस तरीके से पड़ता है, ये हुआ आपका केन्या। बस सिर्फ इतनी सी बॉर्डर इनकी शेयर होती है यहाँ सूडान और केन्या के बीच। अब अगर साउथ सूडान से किसी सिविल वॉर से अफेक्टेड लोगों ने भागना होगा तो वो तब यहाँ क्यों आएंगे, केन्या में क्यों आएंगे वो इतने नॉर्थ में। अब केन्या की जो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एरिया है वो इधर है साउथ में नीचे, यहाँ ऊपर तो इसका बंजर एरिया है, यहाँ क्यों बैठेंगे वो। और इनके लिए बेटर ऑप्शन इधर है साउथ सूडान से कॉन्गो की ओर भागने का, राइट, ताकि इजीली वो भाग सके। यहाँ तो बॉर्डर भी बहुत एकदम क्लोज है, बहुत छोटा बॉर्डर है। मैंने इस तरीके के रॉ लॉजिक यूज किए और ये मेरी सही भी होगी बात। और दूसरी जो इसमें तीसरा स्टेटमेंट था कि सोमालिया से जो दादाब रीजन में रह रहे लोग हैं, केन्या के दादाब रीजन में, मुझे नहीं मालूम था कि ये केन्या में दादाब रीजन, लेकिन सोमालिया से जो है ये केन्या में भागे हैं। तो बिल्कुल केन्या और सोमालिया जो है आपस में बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो काफी संभावना है कि ये यहाँ से भाग रहे होंगे, राइट, केन्या की ओर, क्योंकि सोमालिया में वाकई में जो है थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इथियोपिया में भी टिग्रे रीजन में काफी इंस्टेबिलिटी थी और वहां से भी आपके केन्या की ओर रिफ्यूजीज भागे हुए थे, इतना मुझे पता था। तो मुझे लगा कि इन दोनों स्टेटमेंट से ही कोई गलत है, ये मुझे सही लगी। एंड ये हुआ भी ऐसे ही कि मैंने एक को एलिमिनेट कर दिया और सी को मैंने मार्क कर दिया 2 और 3, और ये मेरा सही हुआ उस टाइम। दिस वॉज द थॉट प्रोसेस। आपको डीप नहीं पढ़ना है बट मैप की ये आपसे नॉलेज चेक कर रहा था उस टाइम। नेक्स्ट आता है कि ये मेरे नोट्स से डायरेक्टली आया हुआ था, दैट नोट्स आई हैड कंपाइल्ड। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन को इतने बारीकी से कोई नहीं देखते हैं, जैसे आपको वाइस ग्रेड ग्रुप के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। आई मतलब इतना मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लोगों को वाइस ग्रेड ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि क्या है ये वाइस ग्रेड, बट मैंने इन चीजों के इलेबोरेट नोट्स कंपाइल कर रखे हुए थे। पिछले 5-6 साल से ये पूछे भी नहीं जा रहे थे, बट मुझे कुछ ऐसा हो रहा था कि हाँ, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी दैट दे आर गोइंग टू आस्क दिस। मैं ये मेरे डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ था बट मैं उधर भूल गया कि इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज है जो टर्किक काउंसिल के स्टेट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स में शामिल है। अब यहाँ मैंने फिर से लॉजिक यूज किया। देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो कराबाग के रीजन से रिलेटेड एक कन्फ्लिक्ट चला हुआ था। ये 2020 में चला कन्फ्लिक्ट, राइट, 2020 का कॉन्फ्लिक्ट था, इतना मुझे उस टाइम याद आ गया। और मुझे ये भी पता था कि जो आर्मेनिया है यहाँ मैक्सिमम ज्यूस रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और इन्हें रशिया सपोर्ट करता है, और जो अजरबैजान है यहाँ इसे टर्की सपोर्ट करता है, और यहाँ इस्लामिक लोग ज्यादा रहते हैं। तो अजरबैजान के ज्यादा चांसेस है टर्किक स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बजाय कि आर्मेनिया। ये दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका इतना ज्यादा गहरा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक जगह ये कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने ये जहां जहां वन ऑप्शन था इसे मैंने एलिमिनेट कर दिया कि आर्मेनिया बहुत मुश्किल से इसमें होगा, तो आई एलिमिनेटेड दिस। अब बचे मेरे पास सी और डी ऑप्शन। अब फिर से रोमानिया जो है, ये बुल्गेरिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये आपके यूरोप में है, सेंट्रल यूरोप में है, और वहां पे टर्की का उतना इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो मैंने फिर रोमानिया को भी एलिमिनेट कर दिया मैप की नॉलेज से ही, और ये मेरा फिर लास्ट तक आते आते मैं, मतलब 15-20 सेकंड बाद आई वॉज श्योर कि मैंने सही आंसर मार्क किया हुआ है, और सही आंसर वॉज सी इसका। तो ये भी मेरा सही इस तरीके से हुआ। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट द ऑप्शंस। नेक्स्ट आता है कि ये मेरा गलत ऑप्शन है लेकिन थॉट प्रोसेस इसमें मैंने सही यूज किया उस वक्त, राइट, ऑप्शन मैंने गलत मार्क किया। एक्चुअली इसका आई थिंक इसका टू ओनली इसका आंसर है, आई थिंक टू ओनली इसका आंसर है, राइट, बट थॉट प्रोसेस हमने यहाँ देखना है कि हाउ आई थॉट अबाउट दिस क्वेश्चन, कि इनमें से ये सोलर पार्क के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में पूछ रहा था इतना डीपली कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया।
मुझे उस वक्त याद आया कि जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ में उस वक्त क्या है कि जो आई थिंक अडानी या अंबानी है, रिलायंस ग्रुप है, उन्होंने एक कच्छ में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया था, मुझे ये याद आया। आई थॉट कि स्टेटमेंट वन करेक्ट हो सकती है क्योंकि इनका ही सबसे बड़ा पार्क होगा और गुजरात में जो है सनलाइट भी काफी ज्यादा पड़ती है, राइट, डेजर्ट के एरिया में। तो मैंने इन दोनों ऑप्शंस को पहले कंसिडर किया कि ए या सी इसके सही हो सकते हैं, पहले मैंने ये कंसिडर किया। देन आई थॉट कि केरला हैज फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हो सकता है किसे पता है कि भाई है कि नहीं है। देन आता है कि गोवा हैज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये सबसे बड़ा, आई थिंक ये तेलंगाना में था उस वक्त, ये मुझे एकदम से याद आया कि तेलंगाना की एक लेक थी, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, और ये गोवा में तो नहीं हो सकता है, ये मुझे एकदम से उस टाइम दिमाग में स्ट्राइक किया। और तीन वाले ऑप्शन को मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया और ए ऑप्शन को मैंने उस वक्त टिक किया। एक्चुअली जो आपका स्टेटमेंट वन है ये भी इनकरेक्ट है, राइट, ये भी इनकरेक्ट है, ये गुजरात नहीं, आई थिंक ये राजस्थान में है, और ये अपना क्या है कि इनकरेक्ट उस वक्त ऑप्शन हुआ। राइट ऑप्शन वॉज आंसर बी, बट थॉट प्रोसेस वॉज, आई मीन आई वॉज एबल टू रीच मच क्लोजर टू द राइट आंसर, राइट। तो आपको इस तरीके के गैस उस टाइम मारने पड़ेंगे चीजों में। नेक्स्ट आता है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये मेरा गलत आंसर है, लेकिन इसमें थॉट प्रोसेस मैंने क्या यूज किया उस वक्त, राइट, एक्चुअली इसका मैं पहले डी मार्क करने वाला था, डी वाज द राइट आंसर, बट आई मैंने पता नहीं क्यों ये तीन स्टेटमेंट नंबर टू को मैंने एलिमिनेट कर दिया, वो अभी देख लेना। तो मैंने सी इसका आंसर राइट किया, लेकिन फिर भी आई वॉज मच क्लोजर टू द राइट आंसर थॉट प्रोसेस की वजह से, राइट। तो थॉट प्रोसेस क्या था इसमें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, सबसे पहले मैंने सोचा कि ये पूछा क्यों गया होगा, क्योंकि स्पाटले और पार्सल नाम के दो आइलैंड हैं, राइट, और ये चाइना ने बिल्ड किए हुए हैं आपके साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में चाइना ने स्पाटले और पार्सल नाम के आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड किए हुए हैं, और 2017-18 में इस पे डिस्प्यूट चला था यूएन क्लॉज में, राइट, उससे रिलेटेड कि भैया चाइना जो है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उनको अबाइड बाय नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में भी था, एंड दिस इज वाई द क्वेश्चन अपीयर्ड इन द एग्जाम। और पिछले साल भी इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पे क्वेश्चन आया हुआ था और बोला था कि जो इंडिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलॉट हुआ है, राइट, एक्स्ट्रा जो इंडियन ओशन में हमें मिला है वो किसने दिया है, तो वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, राइट, उस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। सिमिलरली इस बार फिर से यूएन क्लॉज से वही क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें स्टेटमेंट्स इस बार बड़ी ट्रिकी थी कि जो कोस्टल स्टेट है इट हैज राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू ए लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल। ये बात सही है, जो आपकी टेरिटोरियल सी, अब इसका क्या सीक्वेंस रहती है कि पहले इसका बेस लाइन आती है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आपका टेरिटोरियल सी, उसके बाद आपका 24 नॉटिकल माइल तक ये पूरा चलता है आपका कंटीजियस जोन, जिसमें एयर जो आपके एयर है, एयर स्पेस है, उसमें भी आपका कंट्रोल रहता है, इसे हम कहते हैं 24 नॉटिकल माइल तक कंटेजियस जोन। इसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 माइल तक ये चलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद आपका हाई सी चलता है, ये रहता है इसकी पूरी सीक्वेंस। तो ये स्टेटमेंट वन तो मुझे पता है कि ये एकदम सही थी। स्टेटमेंट टू ट्रिकी थी इसमें कि शिप्स ऑफ ऑल द स्टेट ये इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय राइट टू इनोसेंट पासेस थ्रू टेरिटोरियल सी। अब देखो टेरिटोरियल सी जो है ये आपकी बेस लाइन के अंदर होता है, राइट, टेरिटोरियल सी इज बिल्कुल आपका जो 12 नॉटिकल माइल वाला सी होता है ये आपकी बिल्कुल बेस लाइन के अंदर है, और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है। और अगर आप सभी स्टेट्स को ये राइट दे दोगे, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी आपके लिए थ्रेट बन सकता है, वो सर्विलांस कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे चाइना की जो 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 शिप्स होती हैं, राइट, जिसे वो रिसर्च वेसल कहते हैं अपने, वो कहीं पे भी एंटर कर जाती है। तो इसलिए मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया ये सोच के कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, इससे सिक्योरिटी के थ्रेट आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट टू को मैंने एलिमिनेट कर दिया, हालांकि ये सही थी, स्टेटमेंट टू भी सही थी, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक होता है ये बात तो सही है, ये सबको मालूम थे। सही आंसर इसका डी था, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, बट मैंने ई मार्क कर दिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे, नेक्स्ट वीडियो विल कम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, और इसी तरीके से वी विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आई होप
this will add some value or some confidence of elimination tricks or matlab logical trick, logical reasoning, whatever you call it. This will add some sort of value to your preparation. I hope, I wish all the very best to all of you. And if these videos are proving to be of any value for you, then please do subscribe and press the bell icon, the ghanta wala icon. And thank you so much, guys. We'll meet in the next video. Or isi tarike se jo mera mains hua is baar, mains mein bhi hum discuss karenge ki kis tarike se. There were so many tricky questions in mains. Jitna tricky pre hai utna hi tough aapka mains tha. Then how did I was able to attempt almost all questions. Ek do chute wo is wajah se kyunki time nahi mil paya, utna manage nahi kar paya. But then I was able to attempt almost all of them. To jo tricky questions the uske, tricky questions jo direct the wo nahi, but jo tricky the unko, how did I manage to solve those questions? I will make videos on that also. So keep following the channel. Take care, guys, and bye bye.